आज अनेक नवनिर्वाचित आमदारांनी शपथ घेतली. महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्वात तरुण आमदार म्हणून बांद्रा पूर्वचे आमदार झिशान सिद्दकी हे निवडून आले आहेत. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अक्षय कबाडी यांनी. सर्व आमदारांचा शपथविधी पार पडलेला आहे. माझ्यासोबत असा एक आमदार आहे का जो या विधानसभेतला सर्वात तरुण आमदार आहे, वय वर्ष 27. झिशान सिद्दीकी माझ्यासोबत आहे. झिशान सिद्दीकीनी मुंबईचे माजी महापौर असलेले विश्वनाथ महाडेश्वर यांचा पराभव केला, त्यामुळे एक मोठा जायंट किलर ठरला. झिशान, आज आनंद आहे सगळ्या गोष्टीचा की या ठिकाणी एक यंगेस्ट MLA म्हणून तू पुढे. देखिए, आज खुशी की लहर दौड़ रही है सब जगह, क्योंकि हमने आज शपथ लिया. एक महीना हो गया हमें इलेक्शन जीत कर, आज शपथ ली है तो बहुत खुशी है और उत्साह है कि हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे. इसलिए लोगों ने हमें चुना है और आज लोगों की जीत हुई है और महाराष्ट्र की जीत हुई है. कुठेतरी तुझ्या वडिलांचं जे काम आहे त्यामुळे कुठेतरी हा तुला यश मिळालेलं असं वाटतं या ठिकाणी? देखिए, मेरे पिताजी को देखकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ. जब से 4 साल का था मैंने अपने पिताजी को देखा है. उन्होंने कितना काम किया है लोगों के लिए, लोगों ने इतना प्यार दिया है उन्हें. मगर मैंने एक दूसरा मतदार संघ चुना, मैंने बांद्रा वेस्ट नहीं चुना. मैंने बांद्रा ईस्ट में काम किया और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाई यूथ कांग्रेस के थ्रू. मगर मेरे पिताजी के दुआओं और आशीर्वाद के बिना मैं आज इधर नहीं होता. और वो मेरे गॉडफादर है, तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो उनसे सीखने को मिलता है, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ. कुठेतरी अभिमान वाटतो, कारण एक नवीन तरुण चेहरा की एकीकडे असं समजलं जातं की फार तरुण मुलं जी आहेत ती राजकारणात येत नाही, दुसरीकडे तू एक उदाहरण घालून दिलंस की अगदी तू कमी वयामध्येच आमदारकी त्या ठिकाणी मिळवली. देखिए, अभिमान तो नहीं है. मुझे लगता है युवाओं ने मुझे चुना क्योंकि उनको लगता है कि मैं भी उनके जैसा ही हूँ. एक 27 साल का एक युवा हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है काम करने की. मुझे मेरे कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि मैं 27 साल का और युवा हूँ, और युवाओं के लिए मुझे बहुत सा काम करना है. तो कोई अभिमान करने की बात नहीं है. मेरे युवाओं दोस्तों ने मुझे चुना है क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनमें से एक हूँ. तो जी, तरुणांचे प्रश्नच प्रकर्षाने तू या विधानसभेमध्ये मांडणार का त्या ठिकाणी? कारण तू एक स्वतः तरुण आहे, तरुणांचे प्रश्न तुला माहिती असतात. ज्या तरुणांच्या अडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो युवाओं की दिक्कतें हैं वो मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि मैं भी खुद एक युवा हूँ. तो जो युवाओं की समस्याएं हैं, युवाओं की जो दिक्कतें हैं, वो ज़रूर उसके लिए मैं हाउस में ज़रूर क्वेश्चंस पुट अप करूँगा और युवाओं के लिए मैं ज़रूर, युवा कल्याण के लिए ज़रूर काम करूँगा. सरकार आ रही है, कांग्रेस, शिवसेना, NCP, तो ये एक फायदेमंद हो सकता है ऐसा लगता है कि क्योंकि सरकार आ रही है तो ज़्यादा काम हो गया? देखिए, सरकार बनाना हमें तो पहले ऑपोजिशन का मैंडेट मिला था और हम ऑपोजिशन में बैठ भी रहे थे, मगर महाराष्ट्र को ज़रूरत थी एक स्टेबल गवर्नमेंट की. इसीलिए कांग्रेस, NCP और शिवसेना साथ में रहकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाया और महाराष्ट्र के बेहतर के लिए बनाया. और हम सब इधर काम करने के लिए आए, महाराष्ट्र को एक बेहतर स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे और साथ मिलकर 5 साल काम करेंगे और डेवलपमेंट के लिए ज़रूर काम करेंगे. खूब शुभेच्छा तुला. झिशान सिद्दीकी यंगेस्ट MLA हा विधानसभेमधला आहे आणि निश्चितच 27 वर्ष आहे. तरीसुद्धा MLA बाबा सिद्दीकी यांचा मुलगा म्हणून त्यांची ओळखच आहे, पण आता स्वतः या ठिकाणी विधानसभेमध्ये सर्वात तरुण आमदार म्हणून हा चेहरा ओळखला जाणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रमोदसह अक्षय कबाडी, AM News, मुंबई.